हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, एसएससी ईस्टर्न रीजन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। एसएससी ने जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया गया था, एसएससी फेस 6 2018, तो उसका यहाँ पर स्क्रूटनी स्टेटस पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक नोटिस के ऊपर खोल चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया था कि असिस्टेंट स्टोर कीपर का जो कि यहाँ पर HS लेवल का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें हुआ था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल 260 कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोविजनली क्वालिफाइड किया गया था। जो इसके CBT एग्ज़ाम हुआ था, तो उनमें से यहाँ पर 260 कैंडिडेट ऐसा था जिनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। तो उन 260 कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है अपना अपना एप्लीकेशन को यहाँ पर सेंड किया गया था उन डॉक्यूमेंट के साथ। मतलब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको भेजिए। तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर उसका एक स्टेटस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो रोल नंबर वाइज यहाँ पर दिया गया है, रोल नंबर दोस्तों एक बात आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप लोग जो पोस्ट कैटेगरी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ER11518, तो यह इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये सिर्फ PDF इस ER11518 जो स्टोर कीपर वाला जो पद था, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हुए थे, तो उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। तो यहाँ उसका यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद यहाँ पर स्क्रूटनी स्टेटस दिया गया है, उसके बाद रीज़न फॉर रिजेक्शन, उसके बाद यहाँ पर रिमार्क इवेनिंग। तो पहला जो नाम दिया गया है अनिल कुमार, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नॉट एलिजिबल, मतलब यहाँ पर इनको कैंडिडेट के यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है। नो एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। तो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि इन पर जो एक्सपीरियंस था उनको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस फील्ड में कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं दिखाया गया। तो उसके बाद यहाँ पर एक और कैंडिडेट के यहाँ पर रिजेक्टेड किया गया है, हार्ड कॉपी नॉट रिसीव। उसके बाद यहाँ पर और एक जो है प्रोविजनली एक्सेप्टेड कर दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट के यहाँ पर जो है हार्ड कॉपी नॉट रिसीव यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब कैंडिडेट को पता ही नहीं था कि इनका जो रिज़ल्ट आज पब्लिश हो चुका है, या फिर इन लोगों ने देरी करके अपना जो हार्ड कॉपी इसको भेजा था SSC को, तो ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर एक जिन कैंडिडेट के यहाँ पर जो है नो एक्सपीरियंस ऐसा करके यहाँ पर दिखा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों को जो 4 नंबर वाला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ऑल कैंडिडेट आस्क्ड टू विजिट द लिस्ट अटैचमेंट एलेक्सा। तो यहाँ पर आप लोग जो लिस्ट अब मैंने आप लोगों को दिखाया, तो उसको देखने के लिए बोल रहा है। इफ़ एनी कैंडिडेट हैव एनी ऑब्जेक्शन, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो यहाँ पर आप लोगों जो है SSC ईस्टर्न रीजन का जो ऑफिस है, तो वहाँ पर आप लोग आना होगा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग आना होगा। और अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनली यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है, तो वहाँ पर भी आके आप अपना जो क्वेरी है उसको बोल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका जो रेसिडेंस है वो यहाँ पर ऑफिस से दूर है, तो यहाँ पर आप लोग जो है अपना अपना SSC ईस्टर्न रीजन को यहाँ पर मेल कर सकते हैं। उसका भी यहाँ पर दे दिया गया है contact@SSCER.org। तो इसको आप लोगों को जो है 2/8/2019 से पहले आप लोग आना होगा और मेल भी करना होगा। तो यहाँ पर उसका भी डेट दे दिया गया है, तो इसके अंदर आप लोगों को जो है आना होगा और मेल कर देना होगा। तो क्या है, ये तो सिर्फ स्टोर कीपर के लिए। तो और जो पोस्ट थे दोस्तों, यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन और HSO, तीनों लेवल के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों का प्रोफेशनल स्टेटस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे आप लोग जो है अपना अपना जो लेवल का जो एग्जामिनेशन था, तो उनको आप कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को चले आना होगा SSC ईस्टर्न रीजन का ऑफिस ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप लोग को आना होगा SSCER.org। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर कॉर्नर में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो नोटिस वाला दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट नोटिस ऑप्शन, तो इसको आप लोग जो है क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ आप लोग के पास एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रोफेशनल स्क्रूटनी स्टेटस फॉर पोस्ट कैटेगरी, यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी दिया गया है ER10918, उसके बाद यहाँ पर ER10818। तो यहाँ पर सभी पोस्ट कैटेगरी के यहाँ पर स्टेटस आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहाँ से जाके इस PDF को और जो इस यहाँ पर आप लोग अपना अपना पोस्ट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।